Hello friends, welcome to another lecture of Alaylan. In this lecture, we are going to talk about relative maxima and minima. So friends, before getting into the details of relative maxima and relative minima, we should know what is maxima and what is minima. So maxima is a point where the value of a function is maximum. So I can say that a point where value of the function is maximum is called a point of maxima. Aise hi main minima ko bhi define kar sakta hun. A point where value of the function is minimum is called a point of minima. Suppose we have a function whose graph is like this. So what I can say about this point? This point look like a maximum point. अब देखिए आप इस interval में हैं, मान लीजिए a और b के बीच में, आपने यहाँ से बढ़ना शुरू किया और इस point पर पहुँचे और उसके बाद ये कम होना शुरू हो गया, तो आपको कैसा लगेगा कि शायद ये एक point of maxima हो यहाँ पर. ऐसे ही आप आगे बढ़ते गए, फिर आप नीचे गए, फिर दोबारा ऊपर उठे. And then at this point, you will feel that we have a point which is greater than our previous maxima. So aap bolenge ye mera point maxima ka hona chahiye. Aise hi aapko minimum points bhi milte jayenge. Aapko kahin par lagega ye mera point minima hai. Kahin par aapko ye bhi lag sakta hai ye point minima hai. Fir ye wala bhi minimum lag sakta hai, ye bhi minimum lag sakta hai. Aise hi maximum mein aapko ye maximum lag sakta hai. और ये भी मैक्सिमम लग सकता है. तो बेसिकली जब तक मुझे पूरा इंटरवल ना पता हो तब तक मैं मैक्सिमा और मिनिमा किसी को नहीं बोल सकता. सो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये पॉइंट जिस पर फंक्शन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम आती दिख रही है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और ये पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आती दिख रही है, ये हो गया मेरा मिनिमा. अब ये थोड़ा सा आसान था क्योंकि मेरा फंक्शन ए बी के बीच में डिफाइन था. अगर मैं कोई आपको फंक्शन दे दूं जो पूरे रियल नंबर लाइन पर डिफाइन हो, वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दूँ तो ये कॉन्सेप्ट को हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा को दो डिविजन करेंगे. एक को बोलेंगे रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा और दूसरे को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. सो बेसिकली आई कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन बी डिवाइडेड इन रिलेटिव टर्म एंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स. सो इस लेक्चर में हम रिलेटिव वाले पार्ट को कवर करेंगे. एब्सोल्यूट वाला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर. एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, जो भी आपको गिवन इंटरवल है उस इंटरवल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की जिस भी पॉइंट पर, वो पॉइंट हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा. अब देखिए मैं आपको रिलेटिव समझाता हूँ. रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से रिलेट करके देखना, यानी कि कंपेयर करना, उसके आजू बाजू में जाके पता करना. जैसे मान लीजिए ये दो चीज़ें हैं और मैं कंपेयर कर सकता हूँ. आई कैन से दैट दिस इज स्मॉलर टू दिस, पॉइंट ए इज स्मॉलर टू पॉइंट बी एंड पॉइंट बी इज ग्रेटर टू पॉइंट ए. तो ये मैंने क्या किया, इन दोनों कंपेरिजन किया. सो आई कैन से दैट ए इज रिलेटिवली स्मॉलर देन बी एंड बी इज रिलेटिवली ग्रेटर देन ए. तो रिलेटिव का मतलब हो गया हमारे लिए आस पास में जाकर हमको देखना. तो अगर मैं बोलता हूँ रिलेटिव मैक्सिमा निकालिए, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट देखना है जिसके आस पास वो सबसे बड़ी वैल्यू हो. यानी कि आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर मान लीजिए फंक्शन की कोई भी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू ले ली मैंने c, तो इस पॉइंट को मैंने बोला c और फंक्शन की वैल्यू मैंने ले ली fc. अब देखिए c पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू fc से कम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, c इज़ अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा. बस आपको उसके लेफ्ट और राइट में जाना है, आपको ऐसा नहीं इतने ज़्यादा राइट में चले जाना है कि दूसरा पॉइंट भी आ जाए. अगर बस आपको इसके थोड़े से लेफ्ट और राइट में जाने पे ये पॉइंट मैक्सिमम मिल रहा है, तो आप इसको रिलेटिव मैक्सिमा बोल देंगे. ऐसे ही इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूँ,
यानी कि डी को मैं क्या बोल सकता हूँ, डी इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा, ये भी मेरे लिए एक पॉइंट दे देगा रिलेटिव मैक्सिमा का, ये भी रिलेटिव मिनिमा है, ये भी रिलेटिव मैक्सिमा का पॉइंट देगा, ये रिलेटिव मिनिमा का पॉइंट देगा एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, बस आपको इतना देखना है कि किसी पॉइंट को रिलेटिव मैक्सिमा बोलने के लिए वो पॉइंट अपने आसपास सबसे बड़ा होना चाहिए और रिलेटिव मिनिमा बोलने के लिए वो अपने आसपास सबसे छोटा होना चाहिए। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर जितने भी रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम हमें मिल रहे हैं, वहाँ पर जो स्लोप है यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, वो ज़ीरो दिख रहा होगा आपको, क्योंकि जितनी भी स्लोप है यहाँ पर टेंजेंट आ रही हैं जो, वो सारी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर फंक्शन एक शार्प पॉइंट बनाएगा, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ए बी के बीच में जितने भी ये टेंजेंट्स अलग अलग पॉइंट में दिख रहे हैं, ये सारे पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी एक रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा? देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन हमको ऐसा महसूस होता है ऐसा होगा, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। और मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए, इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का होता है। तो एट ज़ीरो ये डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि स्लोप अगर मैं निकालूँ एफ डैश एक्स, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, और इसको ज़ीरो पुट करूँ तो आप देखेंगे मेरा x इक्वल टू ज़ीरो पे जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पर जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल है, बट दिस पॉइंट इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई कैन से दैट x इक्वल टू ज़ीरो इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। सो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो वो पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होगा ही होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए, अब हम जानते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा की डेफिनेशन क्या हो सकती है। अब मैं देखिए यहीं से डेफिनेशन बना रहा हूँ। अगर सी के मैं लेफ्ट में देखूँ तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, सी के राइट में देखूँ तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अ पॉइंट वेयर फंक्शन changes its direction from increasing to decreasing is called a point of relative maxima। ऐसे ही relative minima हो जाएगा। D के left में देखिए function decreasing है और D के right में increasing है। A point where function changes its direction from decreasing to increasing is called relative minima। चलिए अब इन दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं। तो relative maxima क्या बताया मैंने, a point where फंक्शन चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, ऐसे ही रिलेटिव मिनिमा हो जाएगा। अ पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीज। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि डेरिवेटिव ज़ीरो होने पर भी मेरा पॉइंट जो था वो ना तो मैक्सिमा था ना मिनिमा था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, so I can say that not all critical points are relative extrema। extrema क्या होता है, या तो maxima या minima, यानी कि सारे critical point जो होते हैं हमारे वो relative maxima या relative minima नहीं होते। तो friends, अब कैसे पता लगाएं कि कोई point relative maxima है या relative minima बिना graph देखे? तो क्योंकि हमें तो graph बनाना है तो हमें फंक्शन से पता लगाना होगा कि पॉइंट वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं, द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब वही होता है एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड all critical numbers or points of a given continuous function। जो भी आपको continuous function दिया हुआ है, आप उसके पहले critical points निकालिए। यानी कि क्या करना होगा मुझे, ऐसे c निकालने होंगे
जहां पर एफ डैश सी मेरा जीरो हो रहा हो, या फिर एफ डैश सी जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि ऐसे पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव या तो जीरो है या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड स्टेप देखिए क्या करना होगा मुझे। अ पॉइंट सी कॉमा एफ सी इज अ रिलेटिव मैक्सिमा इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल ए सी टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि सी के लेफ्ट में मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया ए सी, और वहां पर मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, और एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल सी बी टू द राइट ऑफ सी। यानी कि सी के राइट में एक ओपन इंटरवल बनाऊंगा और वहां पर जो डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो आना चाहिए। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, लेफ्ट पर हो गया, ये जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि यहाँ पर मेरा ग्राफ हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन का, ग्राफ इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पर मेरा ग्राफ हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो यही हमें देखना था कि लेफ्ट पर इंक्रीजिंग हो और राइट पर डिक्रीजिंग हो, तो यानी कि ये कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो जो भी पॉइंट आएगा क्रिटिकल पॉइंट वो मेरा रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएगा। ऐसे ही रिलेटिव मिनिमा भी हो जाएगा। अ पॉइंट सी एफ सी इज अ रिलेटिव मिनिमा इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स इन द ओपन इंटरवल ए सी टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल सी बी टू द राइट ऑफ सी। ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, यानी कि यहां पर क्या होगा, जो मेरा ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होगा लेफ्ट में, और राइट में जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा। सो इट विल बी लाइक दिस। तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो मेरा रिलेटिव मिनिमा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी यहां पर, दोनों तरफ सी के लेफ्ट में और राइट में अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो जो पॉइंट होगा वो एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं होगा। द पॉइंट सी एफ सी इज नॉट एन एक्सट्रीमम। नॉट एन एक्सट्रीमम कहने का मतलब ना तो मिनिमा ना ही मैक्सिमा इफ द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हैज द सेम साइन फॉर ऑल एक्स इन द ओपन इंटरवल ए सी एंड सी बी फॉर ईच साइड ऑफ सी। इसका कहने का मतलब यही है, सी के लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव का साइन अगर सेम है तो वो मेरा एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है। तो चलिए अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x+1। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, वी हैव टू फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं या देखते हैं वो कहाँ पर डिफाइन नहीं है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी नीड टू कैलकुलेट डेरिवेटिव फर्स्ट, तो इट विल बी 3x² माइनस 6x माइनस 9 एंड वी नीड टू पुट इट इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो वी विल हैव x² माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3
So we will have x plus 1, x minus 3 is equal to 0. और 3 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू आई minus 1 और 3. तो ये दो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए. So अब minus 1 और 3 को रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा जानने के लिए मुझे इंटरवल बनाने होंगे. तो चलिए इंटरवल बनाते हैं. मैं स्टार्टिंग से ही बना देता हूँ, यानी कि मैं जो इंटरवल लेने जा रहा हूँ वो होगा मेरा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में. दूसरा इंटरवल हो जाएगा माइनस वन से थ्री के बीच में, और तीसरा हो जाएगा थ्री से इन्फिनिटी पे, यानी लेस देन माइनस वन, माइनस वन टू थ्री, थ्री ग्रेटर देन थ्री. अब हम इसमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखेंगे ताकि हमें पता चले फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इंटरवल में यानी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, आप कोई भी पॉइंट लीजिए. यहाँ पर सपोज कीजिए मैं पॉइंट ले लेता हूँ माइनस टू. अब यहाँ पर मुझे एफ डैश एक्स का साइन देखना है. मैंने आपको पहले ही बताया था दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता. तो देखिए माइनस टू पर मैं निकाल लेता हूँ, तो माइनस टू पर क्या होगा, थ्री तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, माइनस टू पुट करने से माइनस टू प्लस वन ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव आ जाएगा. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सो दिस विल कम पॉजिटिव. यानी कि जो मेरा एफ डैश एक्स का साइन है वो ग्रेटर देन जीरो आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब देखिए माइनस वन से थ्री के बीच में कोई एक पॉइंट लीजिए, लेट्स से जीरो हेयर, जीरो पर देखते हैं. तो थ्री तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, जीरो पुट करने पे ये पॉजिटिव आएगा और ये वाला नेगेटिव आ जाएगा. तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव. तो फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर मेरा आया लेस देन जीरो. तो ये हो गया मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ऐसे ही थ्री से बड़े के लिए देख सकते हैं आप, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा और फंक्शन आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, अगर मेरा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो पॉइंट जो है वो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो रिलेटिव मिनिमा होगा. तो पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग है, तो यानी कि ये कुछ इस टाइप से हुआ. तो माइनस वन क्या हुआ, इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा. माइनस वन इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा. और ऐसे ही आप थ्री के लिए देख सकते हैं, थ्री पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है. तो थ्री क्या हो गया मेरा, इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा. अब स्टूडेंट्स देखिए इन पॉइंट्स को हम कैसे यूज करेंगे ग्राफ को प्लॉट करने में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यही है, ग्राफ को प्लॉट करना. सो दिस इज द नंबर लाइन दैट वी हैव. तो हमें ये पता है कि माइनस वन पर जो है वो मेरा रिलेटिव मैक्सिमा मिल रहा है, तो यानी कि जो कर्व है वो माइनस वन पर फ्लैट हो रही होगी. यानी यहाँ पर कहीं पर जो भी वैल्यू होगी वहाँ पर कर्व ऐसे होगा, यानी टेंजेंट मेरा कुछ इस टाइप से आएगा. और मुझे ये भी पता है कि माइनस वन के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो मैं एक रफ आइडिया ले सकता हूँ मेरा फंक्शन कहीं से भी आ रहा हो वो यहाँ पर आकर ऐसे फ्लैट होके वापस जाएगा, नीचे जा रहा होगा. सो माय कर्व विल बी लाइक दिस. ऐसे ही मुझे यहाँ पर भी पता चल गया कि थ्री जो है वो पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा है, तो यहाँ पर जो कर्व है वो कहीं ना कहीं कम होके फिर ज़्यादा हो रहा होगा. तो आई कैन ड्रॉ अ शेप लाइक दिस. सो फ्रेंड्स अभी बस मुझे इतना ही डाटा पता चला कि कहाँ पर वो इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है, कहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा है, कहाँ पर रिलेटिव मिनिमा है. अभी तक मुझे ये नहीं पता चला इसकी शेप क्या होगी. अब देखिए माइनस वन से लेफ्ट में ये इंक्रीजिंग है, तो ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है, ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है. इस चीज़ को हम जानेंगे कनकेविटी की हेल्प से. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कनकेविटी पढ़ेंगे और वहाँ से पता लगाएंगे कैसे ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसकी शेप क्या होगी. आई होप आपको रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और आप किसी भी
फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।